इंडिकेटर कहाँ का दिया है तूने? सो गाइस टैटू वर्क इन प्रोसेस और काफी दर्द हो रहा है आपने। सो गाइस तो कैसी है मेरी स्मॉल सी यूट्यूब फैमिली और व्हाट्सएप, और आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आपका भाई आज जा रहा है ब्लॉग शूट करने और आज काफी स्पेशल डे है और आज मेरे हाथ में टैटू बनने वाला है पिथौरागढ़ के। तो गाइस पिथौरागढ़ के अपने देवांग भैया है, उनको आप सब जानते होंगे, आर्टिस्ट देवांग भाई। तो वहाँ पे आज टैटू बनने वाला अपना और काफी मजा आने वाला है और आप लोगों को दिखाऊंगा अपने हाथ में रिस्ट में टैटू बना हुआ फुल हैंड। तो एक टैटू कवर भी कराना है तो वो भी कवर कराएंगे और सारा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलते हैं गाइस। गाइस देख सकते हैं टूर के बाद टैंकी भी नहीं ले, काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी और आज घर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चल रहे हैं गाइस, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम। तो आज गाइस अपने दिन की शुरुआत भी कैसे हो रही है आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा भीड़ है गाइस, आप लोगों से आगे से बात करता हूँ। गाइस कई ठंड हो रही है, आप लोग महसूस नहीं कर सकते। आप लोग आना अपने शहर वटार है, यहाँ पे आना आप लोग, गुनाली रोड है ना, जो आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे कितनी ठंड है। कई ज़्यादा ठंड हो रही है, अभी टैटू बनाने समय भी काफ़ी दिक्कत होगी, अब कोई नहीं देख लेंगे। गाइस देख रहे हैं आप लोग पाला कितना डेंजरी बड़ा है। A few moments later. और गाइस डिलीवरी बॉय को देखो, काफ़ी तगड़ा तमाशे कर रहे हैं वैसे, और यहाँ पे चालान भी हो रहा है सीटी के द्वारा। और अभी सीधे चल रहे हैं पिथौरागढ़ की ओर, क्योंकि काफ़ी अभी मजा आने वाला है, देवांग भाई से भी मिलना है अभी। गाइस पास लेना ही पड़ेगा। इंडिकेटर कहाँ का दिया है तूने? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। इंडिकेटर दे रहा है और कहाँ डाल रहा है देख रहे हो? अभी मैं पास देता गलती से ऊपर डाल देता तो खाली एक्सीडेंट हो जाता, बताना पड़ता है गाइस। और ऊपर से फोन में बात कर रहा है, अभी कुछ बोल नहीं रहा, नहीं तो मैं भी बोलता बहुत कुछ। एक से एक लोग हैं गाइस। गाइस तो ये अपना कमल बारात घर की रहा है, देवांग भैया से भी फ़ोन में बात हुई तो बोल रहे हैं स्नूकर में हूँ, ये बार लगाते हैं लिंक रोड वाले स्नूकर में, वहाँ से जो टैटू का डिज़ाइन निकाल के सीधे घर को चलेंगे देवांग भैया के, और वहीं आपको मिलाएंगे देवांग टाइप से। और अभी सीधे चलना, और जाम देखो कितना सारा लग रहा है अपने पिथौरागढ़ में भी। गाइस पिथौरागढ़ में इतनी सारी सप्ताह होने के बाद भी यहाँ पे ऐसा हाल है पिथौरागढ़ के, बहुत ही गंदे हाल है जाम से। Women. A few moments later. तो फ्रेंड देवांग भाई के घर में आ गया था और अभी टैटू बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पूरा सेटअप लग चुका है और ये अपने देवांग भाई है, हेलो। और भाई वहाँ पे थोड़ा काम सीख रहा है और अभी मैं यहाँ पे सिटिंग में बैठ गया हूँ, तो अभी टैटू बनेगा, उसके बाद आप लोगों को रिवील कराएंगे। तो अभी थोड़ा टाइम है गाइस, काफी एक्साइटमेंट में हूँ। अभी देवांग भैया खाना खा रहे हैं तो उसके बाद बनाते हैं सेट सूट से, काफी मजा आने वाला है। और ये देखिए भाई यहाँ पे ये सीख भी रहे हैं, सिखाया भी जाता है यहाँ सब कुछ, ट्रेनिंग चल रही है भाई की। और ये अपना मफिन डॉगी है देवांग भैया का। सो गाइस टैटू वर्क इन प्रोसेस और काफी दर्द हो रही है आपने देख सकते हैं हम लोग। गाइस तो टैटू बनाना स्टार्ट कर दिया देवांग भाई ने, देखते हैं कितने देर में बनता है, फिर उसके बाद आपको सारा रिवील होगा।
और काफी पेन हो रहा है। तो गाइस एक काम आ चुका है आपके भाई का, तो अभी ये टैटू ऐसे आधे में छोड़ के जा रहा हूँ, इसको वापस में आके तुरंत फिनिश करेगा आपका भाई। और चलता हूँ अभी, इसे अभी कवर कर रहे हैं क्योंकि अभी खराब भी हो सकता है, अभी आके से खोलेंगे फिर दोबारा से काम स्टार्ट हो जाएगा। गाइस तो देवांग भैया के घर से निकल चुका हूँ और अभी हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है, देख सकते हैं आप लोग पन्नी लगी हुई है। मेरा गाइस मम्मी पापा हैं, थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं काम निपटाने का सीधे चलूँगा अपने टैटू बनवाने दोबारा से देवांग भाई के घर, तब तक का आप लोग वेट करिए। और काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी होने वाला है मेरा काम पूरा, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, रिवील कराएंगे, आप बताना कैसा लग रहा है उसके बाद। गाइस फाइनली बन चुका है, बस थोड़ा रह रहा है, ड्रेसिंग कर ली है हल्की, बट आज गाइस पहली बार काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। सो फाइनली गाइस बन ही गया आपके भाई का टैटू, गाइस तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना आप, काफी सेक्सी टैटू लग रहा है गाइस। हेलो गाइस, तो आपके भाई का टैटू बन चुका है, आपका भाई निकल चुका है सीधे घर को और अभी बज रहे हैं 8:30, 9 बजे तक पहुंचूंगा घर क्योंकि आराम से चलाना पड़ेगा, इस हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रही है गाइस क्योंकि इसमें टैटू से काफी ज्यादा दर्द हो रही है, तो इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। अब ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि डबल माइंड हो गया है गाइज अभी, और फाइनली गाइज आपके भाई का पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है और पेट्रोल पंप भी बंद है, वैसे एक डंडा तो है बट गाइज पहुँचती नहीं पहुँचती गाड़ी आपके भाई की, बड्डा देखते हैं। सो फाइनली गाइज आपका भाई पहुँचने वाला है उड़कुना और आपका भाई अभी पहुँचने वाला है बड्डा, और गाइज अभी आपका भाई रात को चल रहा है उड़कुना वाली रोड पर। तो फाइनली गाइस आपका भाई पहुंचने वाला है बड्डा और आज का मेरा टैटू आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो फाइनली गाइस कल मैं अपने घर पहुंच गया था और रात को काफी ठंड हो रही थी और दिख भी नहीं रहा था कुछ, तो मैंने ब्लॉग खत्म नहीं किया था और ये देख सकते हैं गाइस पूरा अभी ये उतारने वाला हूँ मैं अपना ये जो लगा हुआ है कवर, और उसके बाद इसको थोड़ा वॉश करूंगा और क्रीम लगाऊंगा, फिर दिखाऊंगा आप लोगों को क्या बना है रियलिटी में। गाइस देखिए निकालने अभी इसे, गाइस उतर रहा है देखिए, गाइज अभी इसको वॉश करूंगा फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। गाइज देख सकते हैं वॉश कर दिया टैटू और काफी मस्त लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना ये एक आईज वाला टैटू कैसा लग रहा है, ये मैंने भूत बनाया हुआ है घोस्ट, आप लोग बताना कमेंट करके, और ये आर्टिस्ट देवांग भाई ने बनाया है जो पिथौरागढ़ के आप लोग जानते हैं काफी माने जाने आर्टिस्ट है, और उनका इंस्टाग्राम नेम है आर्टिस्ट देवांग, आप लोग उनको फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप लोग टैटू भी बना सकते हैं काफी अच्छे अच्छे, और मैं यहाँ पे भी बनाने की सोच रहा हूँ बट ज्यादा पेन हो रहा है तो इसलिए मैं बना नहीं रहा। तो गाइज मैं आप लोगों को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, सी यू।